लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी, दिस इज़ अब्दुल कदीर माले। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज जारी है सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर, और हम आजकल बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास है जी इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 3.4, और हम उसके तकरीबन पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस के बड़े बड़े पार्ट्स थे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास तकरीबन 21 पार्ट्स थे, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ पार्ट्स थे, और इसी तरह 4 के अंदर भी कुछ पार्ट्स थे। तो उन सब पार्ट्स को मैंने आपके साथ 1 by 1 डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का उन पार्ट्स के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 को इस लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे, और फिर हमारी एक्सरसाइज जो 3.4 है वो कंप्लीट हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला फर्दर आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। कौन सा फार्मूला बेटा? आपने याद रखना है ये मैं एज अ क्वेश्चन के अंदर भी यूज कर रहा हूँ, और हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये यूज करना है, एज इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स। ठीक है, अगर कोई फंक्शन हो ई रेज टू पावर ए एक्स, ठीक है, और जो e रेज टू पावर x के साथ इसका अगर आप मतलब इसकी पावर का डेरिवेटिव लें तो इसका पावर का डेरिवेटिव क्या है, जस्ट पावर का लें वो आएगा जी a। ठीक है, तो यहाँ पे वो a और वो फंक्शन हो, किसी फंक्शन का वो आगे कोफिशिएंट्स हो, और इस फंक्शन का आगे उसके साथ डेरिवेटिव जो है वो ऐड हो रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सारे को लिखेंगे e रेज टू पावर ए एक्स, और साथ में ये फंक्शन भी आएगा f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बेटा हमारे पास एक रूल है, इस रूल को हम यूज करते हुए आगे अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस रूल को कैसे याद रखना है कि जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो उसका जो उसकी पावर का डेरिवेटिव है जस्ट पावर का, तो वो क्या आए, लेट्स सपोज यहां पे है ax, तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा, तो a जो है वो f(x) का कोफिशिएंट हो और प्लस f(x) का आगे डेरिवेटिव हो, यानी कि जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, देन हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर ax f(x) + इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो एक या दो स्टेप के अंदर आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं, i = इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x, और इसको जस्ट रीअरेंज करें, नेचुरल लॉग x + 1 ओवर x dx। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो फंक्शन है f(x), ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है जी, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1 ओवर x, तो आगे उसका जो डेरिवेटिव है वो ऐड हो रहा है, और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, पावर का डेरिवेटिव ले x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो मेरे पास क्या आ गया जी 1, तो यहां पे 1 भी जो है वो हमारे साथ इसका कोफिशिएंट्स इस फंक्शन का मौजूद है, तो फिर मैं डायरेक्ट इस रूल के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं i is equal to e raised to power x natural log x plus integration constant, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आपने इस रूल को फॉलो करना है, और एक या दो स्टेप के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो इवेलुएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 लेट कर लें जी, i is equal to integration e raised to power x cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है। सो देखें, आप इसमें से किसको फंक्शन मानना है, ई रेज टू पावर एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन, यहां पे तो प्लस साइन आ रहा है, फिर इट मींस कि हमारे पास ये तो इसका डेरिवेटिव है, हम ये ले लेते हैं फंक्शन के तौर पर, साइन एक्स को पहले लिख लें प्लस cos x। अब देखिए sin का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos, देखें फंक्शन का आगे जो डेरिवेटिव है वो ऐड हो रहा हो, तो देन हम इस पूरे इंटीग्रल को लिख सकते हैं जी, i is equal to e raised to power x sin x plus integration constant, और इसका देखें जो डेरिवेटिव इसकी पावर का वो यहां पे इसका कोफिशिएंट्स मौजूद है, फंक्शन के साथ उसका कोफिशिएंट्स लाजमी आना चाहिए।
अगर उसके साथ मौजूद होगा देन हम ये हम रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वन आ रहा था तो ऑलरेडी मौजूद है तो फिर हम उसको नहीं लिखते हुए इसके हमारे पास इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है जी, पार्ट नंबर थ्री, इसको आप लेट कर लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस वन डी एक्स जी। तो डी स्टूडेंट्स देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आगे इसमें ऐड हो रहा है और ई रेज टू पावर एक्स का जो मतलब ई रेज टू पावर एक्स की जो पावर है उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है उसका कोफिशिएंट्स। तो फिर हम क्या करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं जी, देखें ये दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ई रेज टू पावर ए एक्स साथ में ये फंक्शन ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा जी आपके पास सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर थ्री का आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर फोर है, आप इसको लेट कर लेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x into 3 sin x minus cos x divided by sin square x dx। अभी डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर नहीं है, सबसे पहले हम इस फॉर्म के अंदर इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं और कुछ स्टेप के बाद आपको ये नजर आएगा ये सेम इसी फॉर्म के अंदर आ चुका है। देखें डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, यहां से मैं इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं जी। डियर स्टूडेंट्स इसको आप इंडिविजुअली डिवाइड करवा दें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x और मेरे पास क्या आएगा जी 3 साइन x ओवर साइन स्क्वायर x माइनस cos x ओवर साइन एक्स डॉट वन ओवर साइन एक्स डी एक्स। याद मैंने क्या किया कि इसको अलग अलग इन टर्म्स के नीचे डिवाइड करवा दिया। सो यहां पे मैंने साइन स्क्वायर को लिख लिया कि कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डॉट वन ओवर साइन, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्केयर ही बनेगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स एक हमारे पास ये वॉइस से कैंसिल हो, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x साथ में मेरे पास आएगा कि 3 ओवर साइन एक्स माइनस या आएगी मेरे पास कॉट एक्स और साथ में कोसेकेंट एक्स डी एक्स। या सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x या आपके पास आएगी 3 और 1 ओवर साइन किसकी को लगता है जी कोसेकेंट के, तो या आएगी मेरे पास कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डॉट कोसेकेंट x। अब डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस कॉट इनटू कोसेकेंट, तो इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है और यहां पे जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि 3x का डेरिवेटिव है तो जस्ट 3 आता है तो यहां पे 3 मौजूद है तो फिर हम इस रूल के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं कि i is equal to e raised to power 3x cos cosecant x plus integration constant, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 4 का जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी, लेट कर लें आप, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x इनटू माइनस साइन x प्लस 2 cos x dx। ऑब्वियसली बात है कि आपको नजर आ रहा है कि ये फंक्शन है क्योंकि e raise to power 2x की जो मतलब e raise to power exponential की जो पावर है उसका डेरिवेटिव लें तो वो इसके साथ 2 आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी e raise to power 2x into 2 cos x minus sin x dx। cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस साइन, तो उसका डेरिवेटिव आगे ऐड हो रहा है तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये मेरे पास आ जाएगा जी i is equal to e raise to power 2x cos of x plus integration constant, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 6 है जी, लेट कर लें जी, लेट i is equal to integration e raise to power
एक्स और साथ में जी एक्स ओवर, इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया जी, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू डी एक्स। सॉल्यूशन में यहां से ले रहा हूं डी स्टूडेंट्स जी। तो डी स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करें जी, इसको इस फॉर्म के अंदर बनाएं। कैसे बनाएंगे, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज और 1 प्लस एक्स माइनस 1, यानी कि न्यूमिरेटर में 1 को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, डी एक्स ये आ गया। अब आप इसका एलसीएम अलग अलग कर दें, आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ये आ गया। यहां से हुआ ए कैंसिल आउट, सो आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर सॉरी x अब होल स्क्वायर तो नहीं रहा, एक इससे कैंसिल हो गया, सो 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब dx में ये आपके पास है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव ले कैसे लेंगे, मैं रफली आपको बता भी दे दूं, देखिए 1 ओवर 1 प्लस x है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, 1 प्लस x रेज टू पावर माइनस 1, प्रोडक्ट का पावर वो लगेगा पावर शुरू में, पावर में से एक काम करें 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट 1 आएगा, सो बेटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो देखें यहां पे फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव क्या हो रहा है जी, ऐड हो रहा है, तो देन हम इसको इस रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जी, आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स और साथ में मेरे पास आएगा जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स अभी तक तो बड़े आसान से ये क्वेश्चन है और इनमें आपसे हर साल वो एक पार्ट लाजमी पूछते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है, इतने मुश्किल नहीं है, बड़े आसान से ये क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट मेरे पास है जी पार्ट नंबर 7, डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 देखें, तो आप इसको यहीं पे लेट कर लेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस x और साथ में मेरे पास आएगा जी cos x माइनस sin x dx। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस x और माइनस sin को पहले लिख लें, इसको मैं लिख लेता हूं कि माइनस 1 इंटू sin x प्लस cos x dx। sin का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos और माइनस 1 जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन की जो पावर है उसका डेरिवेटिव ले, वो आपके पास आएगा जी माइनस 1, तो वो माइनस 1 यहाँ पे मौजूद है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग फिर हम इसको लिख सकते हैं जी आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है जी 8, पार्ट नंबर 8 है, इसको लेट कर लें आप, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर m tan inverse of x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है जी, साथ में मेरे पास dx। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखें सॉल्यूशन में यहीं से ले रहा हूं, आप लेट कर लें, लेट यहां पुट tan inverse x is equal to t के, अब इसका डिफरेंशियल लें, सो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, वो आपके पास आएगा कि 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और x का डिफरेंशियल dx और t का डिफरेंशियल dt, यहां पे वैल्यू इसको पुट करें, i is equal to, बेशक आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज भी कर लें, मैं इधर इसको एक दफा रीअरेंज कर लूं जी, e raise to power m और साथ में मेरे पास आएगा जी tan inverse x dot 1 over 1 plus x square dx, याद है। अब ये जो मैंने substitution के लिए यहाँ पे put करें, I is equal to integration e raise to power m t 1 over 1 plus x square dx किसकी equal है जी dt के, याद है। बड़ा आसान सा question होगा जी। अब dx में इसकी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा कि e रे टू पावर m t ओवर m प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो t को जो मैंने लेट किया यहां पुट कर दें तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा कि m tan इनवर्स ऑफ
एक्स ओवर एम प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 को मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, सो हम नेक्स्ट बात करते हैं जी इसके पार्ट नंबर 9 को बाद में करते हैं। पार्ट नंबर 10 देखें, पार्ट नंबर 10 लेट कर लें जी, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एस टू पावर x 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर। जी तो डियर स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन यही है हमारे पास, आपने क्या करना है यहां पे 1 ऐड भी कर देना और सबट्रैक्ट भी कर देना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x 1 + 1 + x - 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, या देखिए इसका होल स्क्वायर, सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे है होल स्क्वायर dx। इसको आप लिख लें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x, सो 2 1 + 1 किया 2 + x डिवाइडेड बाय 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 + x का होल x + 2 + x का होल स्क्वायर, और साथ में मेरे पास ये आ गया जी dx। मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया, यहां से एक हुआ कैंसिल आउट, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x, सो 1 ओवर 2 + x माइनस 1 ओवर 2 + x का होल स्क्वायर साथ में dx। अब देखें इस फंक्शन का अगेन आगे डेरिवेटिव इसमें ऐड हो रहा है, तो अकॉर्डिंग दिस रूल ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी i इज इक्वल टू e रेज टू पावर x 1 ओवर 2 + x + इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है जी, लेट कर लें आप, लेट पार्ट नंबर 11, लेट i इज इक्वल टू, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - sin 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 - cos x साथ में dx, और यहां पे चले एक्सपोनेंशियल भी है साथ e रेज टू पावर x dx, याद रखिए ठीक है जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इस फॉर्म के अंदर लेके आते हैं जी, कैसे लेके आएंगे, हम यहां पे यूज करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी और हाफ एंगल आइडेंटिटी। ये तो हम जानते हैं कि 1 - cos किसकी इक्वल होता है जी, सिंस 1 - cos x हमारे पास इक्वल होगा जी 2 sin स्क्वायर x / 2, यानी अब डियर स्टूडेंट्स हम sin की यहां पे वैल्यूज लगाते हैं, असल में हमने पढ़ा हुआ जी फार्मूला sin 2x हमारे पास इक्वल होता है जी 2 sin x cos x, ये है मेरे पास। यहां पे एंगल डबल है, इधर उसका हाफ है, तो अगर इसको मैं इसका हाफ कर दूं तो इधर इसका हाफ हो जाएगा, सो यानी कि 2 का हाफ क्या होता है जी 1, तो ये मेरे पास है जी x, और 1 का हाफ क्या होता है जी 1/2, सो sin x / 2 cos x / 2, ये वैल्यूज यहां पे लगा दें आप, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x 1 - 2 sin x / 2 cos x / 2 डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x / 2 और साथ में dx, याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आप अलग-अलग कर दें, सो ये मेरे पास आएगा कि i इज इक्वल टू e रेज टू पावर x 1 ओवर 2 sin स्क्वायर x ओवर 2, याद है मेरे पास माइनस 2 sin x ओवर 2 cos x ओवर 2 डिवाइडेड बाय सॉरी 2 * sin स्क्वायर x / 2 dx, ये मेरे पास है। अब देखिए यहां से 2 2 से कैंसिल होगा, sin 1 इससे कैंसिल होगा, तो बाकी मेरे पास ये आ जाएगा जी, हम यहां पे इसको कर लेते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x, और ये मेरे पास
आएगा जी 1/2 और 1/2 साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है जी कोसेकेंट। ये मेरे पास आएगा जी कोसेकेंट कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ये तो इससे हुआ कैंसिल आउट कॉस एक्स ओवर टू साइन एक्स ओवर टू, ये रेशियो हमारे पास बनेगी जी माइनस कॉट एक्स बाय टू डी एक्स, याद है मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स इसको जस्ट आप रीअरेंज कर लें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स और माइनस कॉट एक्स ओवर टू प्लस 1/2 कोसेकेंट कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू साथ में डी एक्स। अब डी स्टूडेंट्स देखें हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मैं यहां बता रहा हूं कॉट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये होता है हमारे पास। अब देखें अगर मैं डी स्टूडेंट्स माइनस कॉट का डेरिवेटिव लेता हूं माइनस कॉट का तो ये आएगा जी ये तो माइनस कॉट के साथ है और ये जब इसका मैंने लिया डेरिवेटिव और ये माइनस इसके साथ है। ये कॉट का माइनस बाहर आने के डेरिवेटिव से कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है जी कोसेकेंट स्क्वायर होता है तो ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगी। सो मेरे पास क्या आएगा जी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इट मींस के माइनस कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है जी प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है। यहां पे भी देखें माइनस कॉट एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या होगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, और जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो x ओवर 2 है 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1। तो डी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग जो मैंने यहां पे रूल वो पहले मेंशन किया यहां पे मैं फिर लिख रहा हूं s क्योंकि इसको हमने यूज करना है e रेज टू पावर ax a f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इनटू dx इक्वल आएगा मेरे पास e रेज टू पावर ax f ऑफ x प्लस c। सो इस रूल के अकॉर्डिंग i मेरे पास आ जाएगा जी e raise to power x minus function अब ये है minus cot x by 2 plus integration constant, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। so dear students अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए मैंने लास्ट पार्ट एक पार्ट छोड़ा है इसका पार्ट नंबर 9 वो इस फार्मूले से हट गया है, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि वो जो क्वेश्चन है वो आपका होना चाहिए था इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लेकिन यहाँ पे मौजूद है क्योंकि वहां पे एक्सपोनेंशियल ये रूल नहीं डिस्कस किया हमने तो इसको इसलिए मैं सेपरेट कर रहा हूँ लास्ट पे कर रहा हूँ कि जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको कराए वो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। या सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे लेट्स सपोज ये वो क्वेश्चन था लेकिन था यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल उस मेथड से भी हो सकता है लेकिन जितने भी अभी तक मैंने करवाए हैं वो इसी रूल को यूज करके मैंने आपको करवाया। ये एक वाहिद क्वेश्चन है जो इस रूल से हटके है थोड़ा, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे कैसे। अब डी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर है हमारे पास 9 देखें अब लेट कर लें जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स याद रखेंगे मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स देखें यहां पे कहीं पे भी हमें एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो नजर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे सॉरी मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि i is equal to integration 2x इस स्टेप को देखिएगा 1 minus cos pi by 2 minus x dx याद है। अगर dear students आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब r multiples of 90 आता है तो trigonometric ratio अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। So, जो हमारे पास cos है pi by 2 minus x ये इक्वल किसके होता है जी इक्वल होता है हमारे पास sin x के। तो dear students मैंने क्या किया कि sin x की जगह पे ये उसकी वैल्यूज को यूज कर दिया, ये बात समझ आ गई। अब यहां पे देखिए 1 minus cos pi by 2 minus x आ रहा है, अभी देखिए यहां पे 1 minus cos x था यहां पे तो इसको मैंने लिखा था 2 sin square x by 2। अब सारा का सारा x जो है वो मेरे पास क्या है जी pi by 2 minus x है। So इसको मैं लिखूंगा इस
बात को गौर कीजिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 माइनस cos x समझिए सारा, तो इसको मैं लिखूंगा 2 sin sin 1/2 को एज इट इज रहने दें, और यहां पे एंगल में क्या आ रहा है जी, pi by 2 माइनस x, सो dx ये आ रही बेटा, यहां पे स्क्वायर भी है, 2 2 से वो कैंसिल आउट, सो I इज इक्वल टू x ओवर sin स्क्वायर 1 by 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें pi by 4 माइनस x by 2 dx, dx में एक दफा इसको फिर इस स्टेप को देखिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक दफा फिर ये बता रहा हूं। देखें हमारे पास था 1 माइनस sin x, अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल cos pi by 2 माइनस x हमारे पास इक्वल होता है कि sin x के, तो sin x की जगह पे मैंने ये फार्मूला यूज किया, ये फार्मूला अब देखें जो हमारे पास 1 माइनस cos x है वो इक्वल होता है 2 sin x by 2 के, ये है हमारा sin स्क्वायर यहां पे आता है। अब देखें ds में ये क्या आ रहा है, 1 माइनस cos pi by 2 माइनस x है, यहां पे क्या है x है, यहां पे क्या है pi by 2 माइनस x है, रिप्लेस कर दें x की जगह पे pi by 2 माइनस x, रिप्लेस x by pi by 2 minus x, क्योंकि हमारे पास उसके एंगल में इस तरह है, मतलब कि sin cos के एंगल में ये आ रहा है, तो इसलिए मुझे x की जगह पे ये रिप्लेस करना पड़ा 1 minus cos, x की जगह पे क्या आ गया जी pi by 2 minus x is equal to 2 sin square 1 by 2 को बाहर लिख दें और x की जगह पे रिप्लेस कर दें pi by 2 minus x को, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही फॉर्म आ जाएगी। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी, ये मैंने रफली आपको बता दिया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी i इज इक्वल टू x डॉट, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, कोसेकेंट, कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx, अब dx स्टूडेंट्स यहां पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए देखें i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट, कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ये आ गई मेरे पास माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मेरे पास आएगा जी x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x ओवर 2 dx और होल मेरे पास क्या आ गया जी dx, या ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है जी नेचुरल लॉ, सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो होती है हमारे पास माइनस कॉट, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको माइनस कॉट, एंगल में क्या आएगा जी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और पाई बाय 4 एज अ कांस्टेंट है और माइनस 1 ओवर 2 एज अ वेरिएबल है, यानी कि जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका तो डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो इसके डेरिवेटिव में शुरू में आएगा क्या 1 by 2, तो इंटीग्रेशन के अंदर वो क्या होता है जी डिवाइड हो जाता है, सो माइनस 1 by 2 या माइनस x का डेरिवेटिव 1 उसको हम नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेशन कोसेकेंट की अभी मैंने इंटीग्रेशन की वो मेरे पास आएगी जी माइनस कॉट स्क्वायर पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और साथ में मेरे पास माइनस 1 बाय 2 क्या आ जाएगा जी इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा, या आ मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, सो i इज इक्वल टू 2 ऊपर ले गए तो ये आ गया कि 2x cot pi बाय 4 माइनस x बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cot स्क्वायर pi by 4 minus x by 2 into dx, ये आ गया मेरे पास।
अब डियर स्टूडेंट्स, कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन अब जानते हैं कि हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि i इज इक्वल टू 2x cot pi by 4 माइनस x ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन, आप इसको लिख लें cot जो होता है हमारे पास इक्वल होता है कि cos square pi by 4 माइनस x ओवर 2 डिवाइडेड बाय sin square pi by 4 माइनस एक्स बाय टू डी एक्स। याद है, सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने स्केयर डाल दिया, स्केयर तो नहीं आता कॉट, वो सीक्रेट स्केयर की जो मतलब इंटीग्रेशन होती है वो कॉट होती है, तो यहाँ पे बेटा आपके पास ये टू नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आई इज इक्वल टू टू एक्स कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स ओवर टू माइनस, अब देखिए यहाँ पे हमें साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखें कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पाई बाई फोर एज अ कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, एक्स ओवर टू का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर टू, तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और डिवाइड करवा देता हूँ, ये मैंने माइनस वन बाई टू से क्या करवा दिया जी, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, डिवाइड करवा दी, यहाँ पे होगा प्लस और इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई फोर, यहाँ पे मैंने टू लिख दिया कि पाई बाई फोर माइनस एक्स बाय टू साथ में डी एक्स। अब देखिए फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ये मेरे पास आएगा जी आई इज इक्वल टू टू एक्स कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉट नॉट अ कॉस, इस क्वेश्चन में तो काफ़ी हमने मिस्टेक की है, लेकिन आई होप कि मैंने ठीक कर दी होंगी, अगर कहीं रह गई तो उसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस वन बाय टू नेचुरल लॉग, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव और नेचुरल लॉग साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो ये डियर स्टूडेंट्स फाइनल आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी बड़ी लॉन्ग एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई, इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम 3.5 को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसके भी वन बाय वन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन के प्रीवियस लेक्चर नहीं मिल रहे तो इसी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करें और अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी वन बाय वन प्रिपेयर करें, कोई पार्ट मैंने आपको ये नहीं छोड़ा, वन बाय वन पार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, अपना फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो लाजमी उससे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह उसको मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी ने वफा की, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामुअलैकुम।